वास्तु लिविंग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। आज हमारे वास्तु और फंक्शन कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ हम बातचीत कर रहे हैं हेल्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन 2020 विषय पर। इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आइए उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, टिप ऑफ द वीक क्या है? फिलहाल हम 2020 में ईस्ट दिशा को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए कि पूर्व दिशा के अंदर कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन ना करें, उसको अवॉइड करें। और पूर्व दिशा के अंदर कोई भी तरह के आप पढ़ाई के लिए बैठते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा जो होती है वो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो जो स्टूडेंट अपने पढ़ाई के लिए एफर्ट्स करते हैं, कोशिश करते हैं, उनको इस साल के दौरान 2020 के दौरान इंस्टेड ऑफ ईस्ट के बजाय नॉर्थ ईस्ट में टूवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग या सिर्फ उत्तर दिशा के अंदर अपनी पढ़ाई की सारी कोशिश जो है, स्टडी टेबल जो है, वहाँ पर ज़्यादा करना चाहिए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बल्लवी जी, क्योंकि आप वास्तु के साथ साथ फंक्शुई के भी एक्सपर्ट हैं, आपने फंक्शुई प्रोडक्ट्स की प्लेसमेंट के बारे में भी जिक्र किया है अलग अलग चीज़ों के लिए। फंक्शुई के क्या ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिससे हेल्थ को इन चेक रखा जा सके? जैसे कोई भी तरह के प्रोडक्ट्स का फ़ायदा आप रेमेडियल माध्यम से तभी ले सकते हो कि उस दिशा में कुछ ऐसी व्यवस्था कमरे की या स्ट्रक्चर की हो कि उसको उपयोग में लेना ही पड़े, तो वहाँ पे आप प्रोडक्ट्स रेमेडी को अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मान लो कि पूर्व दिशा में आपका डिशवॉशर पड़ता हो किचन का, ठीक है, या पूर्व दिशा में आपका लॉन्ड्री रूम पड़ता हो, तो साल में आपको कपड़े लॉन्ड्री वगैरह तो यूज़ करने ही पड़ेंगे, तो वहाँ पे आप रेमेडियल माध्यम को यूज़ कर सकते हो। आपका पूर्व दिशा के अंदर ऑफिस कैबिन बना हुआ है और आप कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप वहाँ पे अपनी कैबिन को, क्यूबिकल को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रोटेक्शन और प्रिकॉशन है, यानी कि सबसे पहली कंडीशन थी कि मोशन को अवॉइड करो, वाटर को अवॉइड करो, वो दोनों के रूल्स को फॉलो करने के बाद आप वहाँ पे कोई भी तरह के वास्तु या फंक्शुई के प्रोडक्ट्स को अप्लाई करते हो तो फ़ायदा डेफिनेटली होता है। लेकिन मोशन को कंटिन्यू रखने के बाद अगर आप प्रोडक्ट्स को अप्लाई करते हो तो उसमें उतना फ़ायदा नहीं होता, ये जानना बहुत ज़रूरी है जी। तो सबसे पहले मेरे कैलिफोर्निया में क्लाइंट है, बहुत अच्छे क्लाइंट है, उनके बेटे को कुछ तरह के हेल्थ इशू थे, हमने काफ़ी उनकी हेल्प की, एक ही बेटा है उनका, पर जितनी अच्छी तरीके से इतने सालों से वो मेरे साथ है, करीबन 13 साल से जो वास्तु अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग इतना अच्छा करते हैं कि हमें बहुत खुशी होती है उनसे बात करके। मेरे पास इतने सालों की प्रैक्टिस के दौरान क्लाइंट कम है और परिवार ज़्यादा है, क्योंकि मेरी सर्विस सिस्टम ऐसी है कि हम एक ही क्लाइंट के साथ एवरी ईयर कुछ भी चेंज होता है हम उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं, तो वो रिश्ता सालों साल का फैमिली में बदल जाता है। तो काफ़ी बड़ा परिवार ईश्वर ने मुझे इस सब्जेक्ट के माध्यम से दिया हुआ है, तो जब कभी भी उनके घर के अंदर कुछ ऐसी दिशा हो जिसके अंदर मोशन क्रिएट होता हो, तो वो रेमेडी इमीजिएटली साल के बदलने के ट्रांजिट पीरियड के दौरान वो कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर इस साल के बारे में अगर हम बात करते हैं वास्तु के नज़रिए से, तो बहुत सारे लोग घर के अंदर एक सूर्य की पिक्चर लगाते हैं। आपने देखा होगा कि वास्तु के हिसाब से सूर्य की पिक्चर्स लगाते हैं, गैलपिंग हॉर्सेस को रखते हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ अगर उन्होंने पूर्व दिशा में रखी हो तो उसको वहाँ से निकाल देना चाहिए। और जो प्रोटेक्शन के लिए अगर मान लो कुछ ऐसा इनबिल्ट कंस्ट्रक्शन फॉल्ट हो और अगर आप उसको बिल्कुल रिमूव नहीं कर सकते हो, तो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी और घर की डायरेक्शन दोनों को समझ के फिर उनको रेमेडियल प्रोडक्ट्स को सजेस्ट किया जाता है। लेकिन हर समस्या का उपाय कहीं ना कहीं 100% होता है जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर, एंड आर फैक्स नंबर इज 7326501112। अगले अंक में हम पल्लवी जी के साथ एक और दिलचस्प विषय पर बातचीत करेंगे। पल्लवी जी, आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।